यह वीडियो छात्र और शिक्षक से संबंधित है। खास तौर पर लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे हॉस्टल वालों ने। छात्र और शिक्षक श्रेणी द की भर्ती वैकेंसी जारी हो चुकी है, आप सभी को मालूम है। इनकी जो ऑनलाइन है आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि आपका 1/3/2024 को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले आपका 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाता था, अब वो चेंज कर दिया गया है पैटर्न नंबर। इसका जो सिलेबस होगा 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी का 5 नंबर, मतलब और मैथ्स समय 5 नंबर बढ़ा देंगे, 25 नंबर कर देंगे। जबकि कंप्यूटर का जो 50 नंबर पहले था उसको 30 नंबर कर दिया गया है। ठीक, क्या क्या जरूरी है, योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है 1/3/2024, यानी कि 1 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है। आज आपका 2 मार्च है। ठीक, तो आवेदन भर सकते हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बारे में बात करूं तो 31/3/2024, यानी कि आपके पास पूरा 1 महीने का समय है। ठीक, 1 माह का भी समय है। और मैं परीक्षा की बात करूं, परीक्षा कब होगी तो मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी बताऊंगा जी, है ना। और ये त्रुटि सुधार जब है, त्रुटि सुधार आपका 1/4/2024 से 3/4/2024 तक, यानी कि 1 अप्रैल से इसका प्रारंभ है त्रुटि सुधार, और 3 अप्रैल 2024 तक परीक्षा जो होगी जी। परीक्षा का जो केंद्र है आपका 32 जिला मुख्यालयों में किया गया है। ठीक, अब देखेंगे इसकी योग्यता पात्रता। ठीक है, तो पात्रता देखेंगे। आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में देखिए जो कैसे भरना है आपको, ऑनलाइन आवेदन करने की विधि क्या है, त्रुटि क्या है, पूरी जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे परीक्षा प्रवेश कैसे कैसे प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट यह है कि ये जो है इसका सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले सिलेबस देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए यहाँ पर कुल प्रश्न क्या है, 100 प्रश्न 100 अंक के। ठीक है, पहले कितना था जी, 2016 में, 2016 का जब एग्जाम हुआ था उसमें 150 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, 150 अंकों का। पैटर्न अब पूरा चेंज हो गया है जी, है ना। तो छात्र और शिक्षक का सिलेबस देखेंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंप्यूटर, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया है कंप्यूटर में कि 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें परीक्षार्थियों को 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य है कि पहले 50 नंबर के प्रश्न पूछा जाता था, अब यहाँ पर 30 नंबर के कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले कितना पूछा जाता था, 50 नंबर, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य था, है ना, आधा। अब 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको 15 नंबर लाना अनिवार्य है। तो कंप्यूटर का पूरा टॉपिक रहेगा। ठीक है, ये सभी कंप्यूटर के भाग हैं। इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट, देखिए पहले हिंदी का कितना नंबर का प्रश्न आता था, हिंदी का 10 नंबर के प्रश्न पूछा जाता था 2016 में। ठीक, अब 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंकों के, यानी कि हिंदी में 5 नंबर के प्रश्न रहेगा। अब पूरा आपको हिंदी पढ़ना है। ठीक है, स्वर, लिंग, संज्ञा, समास, संधि, व्याकरण, शब्द रचना, शब्द प्रकार, पर्यायवाची, मुहावरे, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड है देखिए जी, ये आपका अंग्रेजी जनरल नॉलेज, है ना। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको मैं जो जो टॉपिक बताऊंगा कवर करना। हाँ देखिए, वीडियो में आप लोग वीडियो देखते हो, हमारा इंफॉर्मेशन देखते हो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते ना। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक, वीडियो को लाइक करना जरूरी है, क्या हम आप सभी को इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, है ना। तो सभी लोग, बहुत लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक में कमी आ रही है आपकी, तो लाइक अवश्य कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक, तो देखिए अंग्रेजी में आपको 5 अंकों के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले कितना पूछा जाता था, 10 पूरे, यानी कि पुराना कितना है, पुराना 2016 में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे, अब आपको 55 नंबर के पूछा जा रहा है, यानी कि 5 अंकों के 5 प्रश्न, और आपको पूरा पढ़ना है इंग्लिश, है ना। तो इसमें आपको कैसे स्कोर करना है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, कैसे तैयारी करना है सिलेबस के अनुसार, छात्र शिक्षक की जो सिलेबस हो, कैसे पैटर्न नंबर पढ़ना है आपको, किस तरह का, किस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूरा टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को लाइक अवश्य करना है, हम इतना मेहनत से आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस प्रकार का, तो आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक, सेकेंड यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस, सेंटेंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी देखिए, यहाँ पर गणित का प्रश्न है कि 25 अंकों के 25 प्रश्न होंगे जी। वेटेज सबसे ज्यादा किसमें है, पहले आपको कंप्यूटर में 30 नंबर, उसके बाद मैथ्स में आपको 25 नंबर, यहीं से कितना हो गया 55 नंबर। तो वेटेज कितना है यहाँ पर,
तो गणित में आपको 25 अंकों के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और किस टॉपिक से एग्जाम में 12 पूछे जाते हैं मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊं। ठीक, सिलेबस देख रहे हैं सभी इकाई है, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, ये सही सब सेम है ना, मैथ के सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक, सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है जी? सामान्य ज्ञान में आपको 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तो सेम है। ठीक, ये सेम है। भारत के राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान, इसमें अंक अर्जित किया गया। देखिए यहाँ से 2 अंक पूछा जाएगा, यहाँ से 2 अंक पूछा जाएगा भारतीय इतिहास से, भूगोल से 2 अंक, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजना वगैरह, अर्थव्यवस्था से, और 3 अंक यहाँ से पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत जीवन की गुणवत्ता के लिए। 4 अंक आपके यहाँ से हैं खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन आदि से शामिल है। नेक्स्ट है समसामयिकी घटनाएं, खेल कूद एवं देश विदेश, जो इस प्रश्न में 5 अंकों के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल साहित्य रहेंगे, और छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी में 5 अंकों के 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ का इतिहास, सामान्य जानकारी, आपको पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है, इसमें संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम और महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में। ठीक, अब बाल मनोविज्ञान जी, देखिए आप सभी कह रहे थे कि बाल मनोविज्ञान की जो सब्जेक्ट जोड़ा गया, बिल्कुल जोड़ा गया यहाँ पर 10 नंबर के, है ना, तो 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न जोड़े जाएंगे जी, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक है उसमें बच्चों लोगों के लिए रहता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बाल मनोविज्ञान जोड़ दिया गया है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि, व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व भिन्नता, निर्देशन एवं परामर्श, तो सभी को मिलाकर जी टोटल 100 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखेंगे यहाँ पर, तो मैं आपको कहूंगा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के 30 प्रश्न, मैथ्स का कितना हो गया जी? मैथ्स का आपका 25, और सामान्य ज्ञान का आपका हो जाएगा 15, और आपका अंग्रेजी का हो गया आपका 5, और यहाँ पर देखेंगे हिंदी का हो गया आपका 5, और एक और टॉपिक बचा है करेंट अफेयर्स अमित कर का 5, तो कितना हो गया जी? 55, और यहाँ पर 55 और के बाद 55, 60, 70, 80, 95, 5 नंबर आपको करेंट अफेयर करके ले लेते हैं। ठीक है, आपको 5 नंबर, तो टोटल मिलाकर आपका 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो कैसा लगा? सॉरी एक मिनट ना, यहाँ पर बाल मनोविज्ञान डालना था ना, करंट अफेयर बताया था, बाल मनोविज्ञान के 10 नंबर टोटल अगर मिलाओगे तो 100 नंबर के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आप हमारे चैनल पर क्लास कर सकें। ठीक, अगर आप हॉस्टल वाड़ाने की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक।